हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं EFT। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो भैया, इलाहाबाद में भी ऐसी जगह है जहां मूवी बन चुकी है और भविष्य में बनेगी भी। फिलहाल यहां पर म्यूज़ियम बनने वाला है, तो चलते हैं इलाहाबाद की एक ऐसी ही जगह जिसे आपने मूवी में ज़रूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो मैं बताऊँगा किस मूवी में था। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो भैया, खाना पीना तो चलता रहता है, घूमना फिरना भी होना चाहिए कभी कभी। तो आज हम लोग इलाहाबाद से थोड़ी दूर आ गए हैं, लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर होगा। तो ये जगह है फाफा मऊ, और अगर आप इस प्लेस के बारे में नहीं जानते हैं तो इस प्लेस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और ये वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोडेड है। मैं इसका कार्ड जो है ऊपर वीडियो में लगा दूंगा, ठीक है। तो ये जगह है फाफा मऊ, और फाफा मऊ के पास जो है वो गंगा जी गुजरती हैं, क्रॉस होती हैं। तो उस जगह पर 3 पुल बने हुए हैं। एक पुल तो बहुत पुराना है, जो लगभग 150 से 200 साल पहले बना हुआ है, और उसके अगल बगल जो 2 पुल हैं वो एकदम नए बने हुए हैं, क्योंकि ये बीच वाला पुल ये ख़राब हो गया था। ये अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ पुल है। इसे वैसे लॉर्ड कर्जन ब्रिज कहते हैं, क्योंकि इसे लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। और ये अब सेवानिवृत्त हो चुका है, अब ये काम में नहीं लिया जाता। बहरहाल, इसमें लोग घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने भी आते हैं। कई ढेर सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है यहाँ पे। आपने देखा होगा शादी में ज़रूर आना मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई थी, और उसके सारे सीन, बहुत ढेर सारे सीन जितने इलाहाबाद के दिखाए गए हैं, चाहे वो गाने में हो चाहे मूवी में हो, आपने देखा होगा यहाँ पर स्कूटर चलाते हुए, या नीचे की, मतलब मूवी के मेन पोस्टर में भी यहाँ के नीचे की जो पुल है उसका फ़ोटो है, मैं आपको उसको भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अभी ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई, क्योंकि गंगा जी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, और यहाँ नीचे वो क्रेमेशन का भी काम होता है, तो वो लकड़ियाँ जो है जो गीली ना हो जाए, इसलिए लोग ऊपर आकर रख दिए हैं, मतलब परमिशन होगी तो रख दिया है। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन लखनऊ के लिए जाती है, ये लखनऊ की रेलवे लाइन है। पहले इसी पुल के नीचे से जाती थी, और ऊपर जो है वो यातायात का था, नीचे रेलवे का था। तो अब जो है यातायात के लिए ये बगल वाला पुल जो आप देख रहे हैं ये बन गया है, इससे लोग आते जाते हैं, जबकि अब ये भी जो है वो कंजस्टेड हो गया है, अब एक बगल में और बनने वाला है। लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं कि एक एक घर में हर पर्सन के हिसाब से गाड़ियाँ हैं, तो भाई जगह तो कंजस्टेड होगी ही। फिर भी बगल में एक और बनने वाला है, और ये वाला पुल रिटायर हो चुका है, तो इसके अंदर जो ये जगह प्लेस नीचे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये पूरी म्यूज़ियम बनने वाली है, ठीक है। गंगा नदी से रिलेटेड पूरा म्यूज़ियम बनेगा यहाँ पे, और बगल में कोई ट्रेन जा रही है, मुझे नाम तो नहीं पता एग्जैक्टली, क्योंकि लखनऊ रूट है तो ये कंटिन्यूसली वर्किंग रहता है, ठीक है। तो चलिए पहले पुल पार करते हैं और उसके बाद नीचे करते हैं सारी बकैती, क्योंकि वो मेनली देखने लायक जो प्लेस है वो ये वही है। ये तो क्या है, एक तरीके से समझ लीजिए कि रनिंग प्लेस है या फिर एक्सरसाइज प्लेस है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर वॉकिंग करने के लिए आते हैं। और काफ़ी लंबा पुल है, मतलब 1 किलोमीटर तो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन तब भी 500 से 700 मीटर है, ये काफ़ी लंबा पुल है, और नीचे भी पूरा काफ़ी लंबा है। और जब ये नीचे म्यूज़ियम बन जाएगा तो बहुत मस्त हो जाएगा, और अच्छा चीज़ है कि ऐसे पड़ी हुई है बेफालतू की, अगर उसका अच्छा यूज़ हो जाए कोई तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो वैसे ही गाड़ियों के आना मना है, लेकिन जानते नहीं इलाहाबादी हैं, मानने वाले कहाँ हैं, कहीं ना कहीं से कोने अतरे से, जैसे मैं ही बाइक लेके आ गया हूँ, तो बस ऐसे ही लोग आते रहते हैं। पहले ये जो राउंड में बना हुआ है ये अभी बना है, मैं जब ये पुल वर्किंग था तब मैं इससे गया हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ से जाना पड़ रहा है इस पुल के अंदर, और भाई वीडियो बनाने के लिए करना पड़ रहा है ये, जब यहाँ पे झाड़ झंकार जम गए हैं, पहले मतलब बारिश से पहले इतना ज़्यादा नहीं था, बारिश होने के बाद इधर उधर सारे पेड़ उड़ जम गए हैं, नहीं पहले इतना नहीं था, ठीक है। तो ये पुल ये हल्का हल्का दिखने लगा है, ये है पुल, ठीक है। तो ये ऊपर वाला है जहाँ से भी हम लोग उतर के आए हैं, बगल से अच्छा रास्ता बना हुआ है, अब रास्ता तो पूरा टूट गया है, लेकिन काफ़ी बढ़िया रास्ता बना हुआ था पहले, तो आप आराम से आ सकते थे यहाँ पे। और पटरियाँ यहाँ से उखाड़ दी गई हैं, और जो कि बगल में बन गई है तो ट्रेन उससे जाती है। और ये क्या कहते हैं, हाईवे है पूरा लखनऊ वाला, जिससे आदमी पार करता है गंगा नदी। और नीचे जो है आरती होती है, लेकिन नीचे भी मंदिर है गंगा जी का, और काफ़ी अच्छा प्लेस है, लोग नहाने यहाँ पर भी आते हैं। उस तरफ तो क्रिमेशन है, उस तरफ तो नहीं जाते हैं, लेकिन इस तरफ काफ़ी लोग नहाने आते हैं।
तो मतलब ये घूमने की कोई जगह तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमने इसे घूमने की जगह बना दी है। अगर ये अच्छे से पूरा ये बन जाए, जिस तरीके से ये प्लेट यहाँ पर बिछी हुई है, सारी जगह बिछ जाए, तो ये रियली में बहुत अच्छी घूमने की जगह हो जाएगी। क्योंकि एकदम गंगा जी लोग घूमने आते हैं इलाहाबाद में, दो ही तीन चीज़ तो है घूमने की, या तो गंगा जी हो गई और अच्छे अच्छे प्लेस हो गए, मतलब बस चार छः प्लेस ऐसे हैं जो जिसको देखने लोग बाहर से आते हैं। ठीक है, तो अब ये मालगाड़ी पे जा रही है, ये कॉन्टिन्यूस वर्किंग बात है, मतलब हमेशा इससे कुछ ना कुछ गाड़ी वाड़ी जाती ही रहती है। हमें क्या करना है, जाने दो गाड़ियाँ हमको, तो बस इस वाले से ना आए बस, नहीं तो हम लोग भी दब जाएँ, ये बंद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कपल्स भी आते हैं, अभी मुझे तो एक ही दिखे, वैसे आते काफ़ी ढेर सारे नाम हम लिखे रहते हैं यहाँ पे, दिस वेड्स दिस दिस लव दिस, अब रहते हैं हर जगह, ये तो हर मोन्यूमेंट में आपको दिख ही जाएगा। पता नहीं इस पे लिख के क्या मिलता है, लिख देने से क्या सच हो जाता है क्या, ऐसा तो होता नहीं है। चलिए, लोगों का मानना है, जो मानते हैं मानते हैं, अभी पेंट हो जाएगा सारा, लव मिट जाएगा, सारा वेड्स मिट जाएगा। ठीक है, अभी इसमें पेंटिंग होगी ही, तो भैया बच बच के चलना है, कहीं सरके तो सीधा नीचे। इस समय गंगा जी में बाढ़ भी आई हुई है बहुत भयंकर, देख ही रहे हैं आप लोग, खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। देख रहे हैं ये बीच में जहाँ गंगा जी, इस बगल वाले पुल में गंगा जी जहाँ तक हैं, जिस लेवल तक, वो पिलर का बीच है, मिड है। ठीक है, थोड़ा छोटा बना भी है, बहुत ऊंचा नहीं बना है, जितना ऊंचा ये बना है उतना ऊंचा नहीं बना हुआ है, लेकिन पहले की चीज़ें यार, चाहे ये वाला पुल देख लो, चाहे लॉर्ड कर्जन ने वो वाला पुल जो बनवाया हुआ था यमुना जी पे जो बना हुआ है वो वाला पुल देख लो, दोनों एकदम लोहा लट हैं और इतने पुराने पुराने हो गए हैं, 200 साल पुराने पुल हो गए हैं, और लेकिन ये एकदम आज भी ऐसे अजर पड़े हुए हैं, एकदम कोई इसमें चेंजेस नहीं आए, कोई भी बदलाव नहीं आया। बस ये है कि अब चूंकि इनका एक्सपायरी आ गया है तो इनको यूज़ करना बंद कर दिया गया है, अदरवाइज़ आज भी ये बहुत मजबूत हैं। अंग्रेज चले गए और पुल यहाँ पर छोड़ गए, और पुल वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी मजबूत बने। ये जो मंदिर आप नीचे रेड कलर का देख रहे हैं, ये मंदिर शिव जी का है, और आगे ये पूरा प्लेस खाली रहता है, और जैसे चौथ होती है या छठ की पूजा होती है, लोग यहाँ पे बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, नहाने आते हैं, डेली लोग यहाँ नहाने भी आते हैं। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर मेरे बहुत ढेर सारे रिलेटिव का घर भी है, तो मैं बचपन में जब आता था तो ये इस पर ट्रेन चलते हुए मुझे दिखती थी, मतलब तब का मैं जान रहा हूँ, जब ये वर्किंग था तब मुझे ये पता है। ठीक है, और ये बंद हुए अभी बहुत दिन नहीं हो रहा है, 6-7 साल ही हो रहे हैं ये बगल वाला पुल बने हुए, और एक बगल में और बन रहा है, वैसे लखनऊ हाईवे के लिए एक सेपरेशन बन रहा है पूरा अलग से इलाहाबाद से, तो वो भी बढ़िया हो जाएगा, तो इस पर भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हाईवे मेन अभी यही एक रास्ता बचा हुआ है जाने के लिए, और इस पर तो चलना मतलब बहुत ज़्यादा कठिन है, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसको अभी जो इलाहाबाद प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण ने उसने निर्णय लिया है कि भाई इसको म्यूज़ियम बना दिया जाए गंगा नदी के लिए, और लोग उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ऐसे भी फालतू के पड़ा हुआ है, जंग खा रहा है, कुछ मतलब है भी नहीं। अच्छा है यार, अच्छी सोच है, अगर किसी चीज़ को अच्छे से रेनोवेट करके उसका यूज़ कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है। ठीक है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ये पूरा ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पर बिछा हुआ है, और मूवी की शूटिंग भी आपने इसमें देखी होगी, शादी की मैं ज़रूर आना की, वो यहीं पर हुई थी। तो भैया यही था कर्जन ब्रिज, जिसमें मुझे आपको दिखाना था। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आप इससे पहले आए हैं तो कब आए हैं वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और भाई यार, वीडियो देखते हो तुम लोग यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या चाह रहा है भाई, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। भाई कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको भी पता होगा, जो बनाते हैं उनको भी, जो देखते हैं उनको नहीं पता, तो मैं बता दूँ कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो भाई वीडियो बन ही गया है, अब डाल भी दिया है मैंने, आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओके, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी।